गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अमूल्य रत्न तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अमूल्य तिवारी करंट अफेयर क्लास में। दोस्तों आज है 18 अक्टूबर और आज के जो भी टॉप 10 मोस्ट करंट क्वेश्चन है दोस्तों आज मैं आप सबके सामने लाया हूं ताकि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको बेनिफिट मिले। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। प्रेस आइकन को बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों आप मेरे वीडियो को लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, क्योंकि आपका एक लाइक एक कमेंट मुझे काफ़ी हौसला देता है, काफ़ी हिम्मत देता है ताकि मैं आप सबके लिए एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँ। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के क्लास की तरफ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, दोस्तों चेयरमैन कौन बने हैं, तो दोस्तों वो बने हैं सौरभ गांगुली। आप सब जानते हैं कि सौरभ गांगुली बीसीसीआई के अब नए अध्यक्ष बन चुके हैं। दोस्तों आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, अपने पहले क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन वो ये है कि हाल ही में श्रीयुई लीली महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ किया गया। जी हाँ दोस्तों, आप जैसे कि देख सकते हैं कि जो मेरा पहला क्वेश्चन वो ये है कि हाल ही में श्रीयुई लीली महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ किया गया, तो दोस्तों वो किया गया है मणिपुर में। कहाँ किया गया दोस्तों? मणिपुर में। मणिपुर में श्रीयुई लीली महोत्सव का आयोजन किया गया दोस्तों। दोस्तों आप सब जानते हैं कि मणिपुर की राजधानी क्या है दोस्तों? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और जो मणिपुर के सीएम है दोस्तों वो कौन है? तो वो है एन बीरेन सिंह। मणिपुर के सीएम कौन है दोस्तों? एन बीरेन सिंह। और वहाँ के गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर की गवर्नर कौन है दोस्तों? नजमा हेपतुल्ला। दोस्तों अगर मणिपुर की बात आई है तो आप सब जानते होंगे कि मैरी कॉम जो बहुत ही अच्छी मुक्केबाज हैं तो वो कहाँ से रिलेट करती हैं दोस्तों? तो मणिपुर से ही रिलेट करती हैं। और विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मैरी कॉम ने अब तक 8 मेडल जीते हैं जिसमें से 6 उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। आए दोस्तों बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि हाल ही में मास्टर कार्ड ने किसके साथ मिलकर टीम कैशलेस इंडिया अभियान शुरू किया है। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा फिर से। सेकेंड क्वेश्चन है मेरा, हाल ही में मास्टर कार्ड ने किसके साथ मिलकर टीम कैशलेस इंडिया अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों वो है महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी के साथ मिलकर मास्टर कार्ड ने टीम कैशलेस इंडिया अभियान शुरू किया है। दोस्तों अगर बात करें मास्टर कार्ड की तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1966 में। उस समय मास्टर कार्ड को हम इंटर बैंक कार्ड एसोसिएशन के नाम से जानते थे। 1966 में मास्टर कार्ड को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? इंटर बैंक कार्ड एसोसिएशन। बट 1979 से इसका नाम चेंज होके मास्टर कार्ड हो गया। क्या हो गया दोस्तों? 1979 से इसका नाम मास्टर कार्ड हो गया। और इसका जो मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। आए दोस्तों बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अपना 6वां गोल्ड शू अवार्ड जीता है? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अपना 6वां गोल्ड शू अवार्ड जीता है। जी हाँ दोस्तों, आप सब जानते हैं कि फुटबॉल में जो पैर का खेल है तो जो शू का के अवार्ड होता है यानी कि जूता है जो हम पहनते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस खेल में। तो किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अपना 6वां गोल्ड शू अवार्ड जीता है दोस्तों? तो वो है लियोनेल मेसी। आप सब जानते होंगे लियोनेल मेसी को कि फुटबॉल के ये बहुत ही अच्छे दिग्गज फुटबॉलर हैं। तो लियोनेल मेसी ने अपना 6वां गोल्डन शू अवार्ड जीता है दोस्तों। लियोनेल मेसी कहाँ के हैं? तो ये हैं अर्जेंटीना के। कहाँ के हैं दोस्तों? अर्जेंटीना के। और अगर बात करें अर्जेंटीना की तो उसकी राजधानी क्या है दोस्तों? ब्यूनस आयर्स। क्या है दोस्तों? ब्यूनस आयर्स। और वहाँ की करेंसी की बात करें तो करेंसी है दोस्तों पेसो। जी हाँ दोस्तों, क्या करेंसी है दोस्तों? अर्जेंटीना की पेसो है। आए दोस्तों बढ़ते अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। जॉर्जिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। जॉर्जिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वो हुए हैं किशन लाल देवल। कौन हुए हैं दोस्तों? किशन लाल देवल जी जॉर्जिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं दोस्तों। अभी कुछ और मैं नाम आपको बताऊंगा जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दूसरे देशों में जाके, जैसे कि मुक्तेश कुमार परदेसी। जी हाँ दोस्तों, मुक्तेश कुमार परदेसी न्यूजीलैंड के हाई कमीशन हैं। कौन है दोस्तों? न्यूजीलैंड के हाई कमीशन। पवन कपूर यूएई के हैं। पवन कपूर कौन, कहाँ के हैं दोस्तों? यूएई के हाई कमीशन। दोस्तों मैं हाई कमीशन वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि जो भी कॉमनवेल्थ कंट्रियाँ हैं वहाँ पे हाई कमीशन बोला जाता है, और जो नन कॉमनवेल्थ कंट्रियों में जो होते हैं उनको राजदूत बोला जाता है, और जो कॉमनवेल्थ कंट्रियाँ होती हैं दोस्तों तो वहाँ पे हाई कमीशन बोला जाता है। तो न्यूजीलैंड के हैं आपके मुक्तेश कुमार परदेसी,
तो वो क्या है दोस्तों, हाई कमीशन है, हाई कमिश्नर है। पवन कपूर जो है यूएई के, तो भी हाई कमिश्नर है। आए दोस्तों बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो मेरा फिफ्थ क्वेश्चन वो ये है कि दोस्तों, हाल ही में बहरीन इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा फिर से, कि हाल ही में बहरीन इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। जी हाँ दोस्तों, ये जीते हैं प्रियांशु राजावत ने। जी हाँ दोस्तों, कौन जीते हैं? प्रियांशु राजावत ने हाल ही में बहरीन इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन में पुरुष एकल का खिताब जीता है प्रियांशु राजावत ने। दोस्तों अगर बात करें बहरीन की, तो उसकी राजधानी क्या है दोस्तों? तो उसकी राजधानी मनामा है। जी हाँ दोस्तों, बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा। और उसकी करेंसी की बात करें दोस्तों, तो उसकी करेंसी क्या है दोस्तों? उसकी करेंसी है दिनार। दोस्तों आप सब जानते हैं कि बहरीन जाने वाले हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। जी हाँ, बहरीन की यात्रा पर जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तो वो हैं नरेंद्र मोदी जी। और वहाँ पे आप सब जानते हैं कि बहरीन में ही जो बहरीन का सर्वोच्च सम्मान है, किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसा। क्या है दोस्तों? किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसा, जो बहरीन का सर्वोच्च सम्मान है, तो वो किसको मिला है दोस्तों? वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इससे क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। आइए दोस्तों बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो मेरा सिक्स क्वेश्चन वो ये है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? तो वो मनाया गया है 17 अक्टूबर को। कब मनाया गया दोस्तों? 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को हमने क्या मनाया दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। दोस्तों बात करें इसकी थीम की, तो थीम क्या थी इस बार इसकी दोस्तों? एक्टिंग टुगेदर टू एम्पावर चिल्ड्रेन, देयर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज टू एंड पॉवर्टी। फिर से सुनिएगा दोस्तों, एक्टिंग टुगेदर टू एम्पावर चिल्ड्रेन, देयर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज टू एंड पॉवर्टी। तो दोस्तों ये इस बार की इसकी थीम थी। किसकी थीम थी दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की। और ये हमने कब मनाया दोस्तों? तो इसको हमने मनाया है 17 अक्टूबर को। आए दोस्तों बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि हाल ही में A320 एयरक्राफ्ट में टैक्सी बोट का इस्तेमाल करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन कौन बनी है? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा। हाल ही में A320 एयरक्राफ्ट में टैक्सी बोट का इस्तेमाल करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन कौन बनी? तो दोस्तों वो बनी है एयर इंडिया। दोस्तों अगर यहाँ बात की जा रही विश्व की पहली, तो आप सब समझ सकते हैं कि क्वेश्चन अपने आप में कितना इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों एयर इंडिया जो है विश्व की पहली ऐसी एयरक्राफ्ट बनी है जिसने टैक्सी बोट का इस्तेमाल करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन बनी है। दोस्तों बात करें इसकी स्थापना की, तो 15 अक्टूबर 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। एयर इंडिया का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 15 अक्टूबर 1932 में। बट इसका संचालन कब से हो रहा है दोस्तों? तो इसका संचालन हो रहा है 19 जुलाई 1946। जी हाँ दोस्तों, 19 जुलाई 1946 से इसका संचालन हो रहा है और इसकी स्थापना 15 अक्टूबर 1932 में हुई थी। इसका मुख्यालय है दोस्तों न्यू दिल्ली में, और जो इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों वो हैं अश्वनी लोहानी। कौन है दोस्तों? अश्वनी लोहानी जो हैं वो एयर इंडिया के अध्यक्ष हैं। दोस्तों एयर इंडिया ही ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगाने की घोषणा की थी, यानी कि महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती पे जो 2 अक्टूबर को हमने मनाया। और वो कौन था जन्मदिन था उनका दोस्तों? 150। जी हाँ, महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पे एयर इंडिया ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर रोक लगाने की घोषणा की थी। आइए दोस्तों बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा जो 8th क्वेश्चन वो ये है कि हाल ही में किस देश ने विश्व के पहले AI विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की है? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा। हाल ही में किस देश ने विश्व के पहले AI विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो है UAE। जी हाँ, UAE ने विश्व का पहला ऐसा देश बनेगा जो AI विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की। दोस्तों बात करें UAE की, तो इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? अबू धाबी। यानी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है दोस्तों? अबू धाबी। और यहाँ की करेंसी क्या है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ की करेंसी है दिरहम। क्या है दोस्तों? दिरहम। और बात करें UAE के प्रेसिडेंट की, तो उनका नाम है दोस्तों खलीफा बिन जयाद अल निहान। क्या नाम है दोस्तों? खलीफा बिन जयाद अल निहान यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है। दोस्तों आप जानते हैं कि अब UAE का जो सबसे बड़ा शहर है दुबई, दुबई एयरपोर्ट पे भारतीय करेंसी को क्या किया गया दोस्तों? मतलब कि मान्य कर दिया गया है। अगर आप कोई 500 का सामान लेते हैं
और सॉरी 300 का सामान लेते हैं और 500 रुपये का नोट देते हैं, तो दोस्तों उसके बदले आपको 200 का दिरहम मिलेगा। यानी कि आप भले रुपीज़ में वहाँ पे आप ख़रीदारी कर सकते हैं दुबई एयरपोर्ट पे, लेकिन आपको चेंज में अगर वापस लेगा तो दिरहम मिलेगा। दोस्तों आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो मेरा 9th क्वेश्चन वो ये है कि हाल ही में सैफ अंडर 15 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि हाल ही में सैफ अंडर 15 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों वो जीते हैं भारत। जी हाँ, हमारी भारत कंट्री ने, हमारे भारत देश ने सैफ अंडर 15 महिला चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। दोस्तों बात करें सैफ की, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। क्या है दोस्तों, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 1997 में हुई थी। सैफ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1997। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। दोस्तों बात करें कि भारत ने हराया किसको है, तो भारत ने बांग्लादेश को हराया। भारत ने बांग्लादेश को हरा के सैफ अंडर 15 का खिताब जीत लिया है। दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी आप सब जानते हैं कि ढाका है, और वहाँ पे जो करेंसी चलती है उसको हम टका कहते हैं। दोस्तों जो शेख हसीना, जो बांग्लादेश की पीएम है, यानी कि प्रधानमंत्री, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, शेख हसीना। और भारत और बांग्लादेश के बीच में एक सैन्य अभ्यास होता है जिसको हम कहते हैं संप्रीति। क्या कहते हैं दोस्तों, संप्रीति। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सैन्य अभ्यास होता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, संप्रीति। आए दोस्तों बढ़ते अपने 10th क्वेश्चन की तरफ, यानी लास्ट क्वेश्चन की तरफ, कि हाल ही में DRDO के निदेशकों का 41वां सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में DRDO के निदेशकों का 41वां सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है, तो दोस्तों वो किए हैं राजनाथ सिंह। जी हाँ, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, यानी कि भारत के रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने DRDO के निदेशकों का 41वां सम्मेलन का उद्घाटन किया है। दोस्तों बात करें DRDO, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या फुल फॉर्म है दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और DRDO के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों इस समय कौन है, तो वो हैं जी सतीश रेड्डी। कौन है दोस्तों, जी सतीश रेड्डी। दोस्तों ये तो थे आज के मेरे टॉप 10 इंपॉर्टेंट करेंट क्वेश्चन। मुझे आशा है कि मेरे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, और आप जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिल रहा होगा। दोस्तों आपका कमेंट, आपका लाइक मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों मेरा आज का क्वेश्चन है कि विश्व हंगर इंडेक्स में भारत को क्या रैंक मिली है। जी हाँ, विश्व हंगर इंडेक्स में भारत को क्या रैंक मिली है, आप मुझे ये कमेंट करके बताइए। तब तक अपना ख्याल रखिए और मन से पढ़ाई करिए। तब तक के लिए नमस्कार।